हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहे। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं फालसे का शरबत, चिल, कूल, ठंडा, यमी, मस्त। चलिए करते थोड़ी सी तैयारी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे, दोपहर का टाइम है तो यहाँ पर हम लोग सब लोग लंच वंच मीन्स खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तो बच्चे फुर्सत में थे। तो बच्चों के कल से जो छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन से स्टार्ट हो गए, तो चलिए हमारे पास कुछ फालसे रखे हुए थे। तो आज बच्चों का मन था कि मैं फालसे का शरबत बनाऊं, तो चलिए ये हमारे पास है फालसे हैं, ये हैं 100 ग्राम, और ये हमारे पास कुछ रोज़ पेडल्स हैं, ये हमारे पास है शुगर सिरप है। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और यहाँ पर आप चाहें तो पाउडर शुगर ले सकते हैं। अगर पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी पर आप घोल के उसको, और इसके बाद अपने जितना आप मीठा खाते हैं उतना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे फालसे का शरबत, और सच में बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैं पानी की जगह सोडा का यूज़ करूँगी, लेकिन जब इसमें पीसने भर के लिए थोड़े से पानी का यूज़ करूँगी, सिर्फ पीसने भर के लिए, क्योंकि इसके जो अंदर के जो सीड्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इनको आप चाहें तो छान सकते हैं, चाहें तो ना छानें। फिलहाल तो अभी मैं पहले पीसूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनता है, इसके बाद आपको मिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए इसको अच्छे से बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर देंगे, जूसर में ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं आपको, दिखाते हैं कितना अच्छा सा फालसे का शरबत बना हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जल्दी से चलते, बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पर हमने फालसे ले लिए जार में, इसके बाद ये जो शुगर सिरप था इसको मैं डाल दूँगी। इसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ जितना शुगर सिरप है उतना ही मैं डालूँगी, पानी इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसके बाद मुझे यूज़ करना है इसमें सोडा। इसको करते हैं अच्छे से ग्राइंड। अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा और ग्राइंड करूँगी। इसके बाद इसमें डालेंगे रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स हमारे एकदम फ्रेश रोज़ पेटल्स हैं, इसकी जो खुशबू आती है बहुत अच्छी, आप सभी जानते हैं। तो चलिए एक बार इसको फिर से ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से ग्राइंड करेंगे, फिर मिलते हैं। पर मेरा जो शरबत है बनकर रेडी हो गया, ये देखिए अच्छे से ग्राइंड, बिल्कुल फाइन ग्राइंड हुआ। तो चलिए पोर कर दें इनको ग्लासेस में। तो चलिए मैंने इसको ग्लास में कर लिया ट्रांसफ़र। अब मिलाते हैं सोडा, नॉर्मल सोडा है, आप किसी भी कंपनी का मिला डाल सकते हैं। ये देखिए, तो आप इसको उतना ही पोर करिए जितने में कि ओवरफ्लो ना हो। ये देखिए, तो सच में जो फ्रेंड्स शरबत बनने वाला है फालसे का, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार से फ्रूट जो शरबत होते हैं आप बनाइए, खुद पीजिए। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं आइस। आइस डालने के बाद आप जो एंजॉय करने वाले, सच में बताइएगा कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, आपको नीचे से मैं दिखा दूँ क्या कलर आया हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं डिप। ये देखिए, तो मेरा फालसे का शरबत रेडी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बताइएगा कि शरबत कैसा बना हुआ, तो इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा एक काम रहेगा, थोड़ा सा मैं इसको रोज पैटर्न से करती हूँ। तो ये हो गया हमारा रोज पेटल से डेकोर, ठंडा ठंडा सा हेल्दी वाला शरबत। चलिए तो हम करते हैं इंजॉय, बताइएगा फ्रेंड्स कैसा बना हुआ था। और चलिए आपको अंदर मिलाते हैं अपने बच्चों से, और मैं खुद पीने वाली हूँ। तो शरबत मेरा रेडी हो गया, आप चलिए चलते हैं कमरे में लेकर के, बच्चे अंदर ही हैं। तो चलिए, दोनों की शैतानी लगी हुई है, क्योंकि छुट्टियाँ आएँ तो छुट्टियों का फुल मस्ती कर रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए मैं ले चलती हूँ इसको रूम के अंदर। सच में आज बाहर तो बहुत गर्म है, जो लोग बाहर होंगे उनको पता चल रहा होगा, क्योंकि बहुत गर्म गर्म सी लू चल रही है, और बहुत ज़्यादा गर्म। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी आपको काम ना हो तो धूप में बाहर ना जाए, जब मौसम ठंडा हो जाए तभी आप बाहर निकलिए, क्योंकि लू और धूप गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आप भी ठंडा ठंडा शरबत पीजिए, अपने आप को चिल रखिए। और चलिए मैं तो चलती हूँ शरबत पीने, बच्चों को देने चलती हूँ। तो बताइएगा शरबत कैसा बना हुआ था, और टेस्ट वाइज तो सच बताऊँ कि बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, इसको बनाइएगा, बताइएगा, कमेंट करिए कि शरबत कैसा बनेगा। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं शरबत पीने के लिए, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं हो रहा है इन लोगों से, बस मम्मी जल्दी से आ जाएंगी।
और जल्दी से इन लोगों को शरबत पीना है। तो हंसते मुस्कुराते रहिए, सॉरी, और आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान भी रखिए। और इस गर्मियों में तो अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के शरबत बना के पीजिए और पिलाइए, और ख़ुद अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्माइल करें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ठंडा ठंडा सा शरबत पीते रहें। क्योंकि बच्चों को, अब आप मेरे बच्चों को देख रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस उनको पीना है, मींस पीना है। और बच्चे मेरे दोनों ऐसे बैठे हैं चुपचाप शांति से, ऐसा लग रहा है बहुत ही सीधे साधे मासूम बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों ने देखा हुआ, सच में बहुत दम मचाते हैं दोनों, बहुत बदमाशी करते हैं, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं इंजॉय और आपको बताएंगे शरबत कैसा बना हुआ था। रियली बहुत अच्छा बना हुआ था शरबत। चलिए, टेक केयर, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना ध्यान रखें। ये देखिए, तो फ्रेंड्स हम लोग बैठ गए हैं फालसे का शरबत पीने के लिए, और सच में बहुत गर्म है, बाहर बहुत गर्म है। तो ये रहा शरबत, तो चलिए हम लोग करते हैं इंजॉय, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो बच्चों ने भी कह दिया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।